हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा शर्मा। सो गाइस, ये वीडियो कुछ टाइम पहले का है, नवंबर 2023 का है। एक्चुअली हम लोग उस टाइम पे शादी में गए हुए थे इंदौर, जो मेरी ताई सास हैं उनकी सिस्टर के बेटे की शादी थी, तो हम लोग वहीं गए थे। उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ये वीडियो कभी अपलोड ही नहीं कर पाई, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को। तो हम दोनों ट्रेन से गए हुए थे, दोनों मैं और मेरे हस्बैंड, एंड मम्मी पापा अलग से गए हुए थे। फिर यहाँ पे हमें ड्राइवर भैया पिक करने के लिए आ जाते हैं, तो ये रास्ते का व्यू है। हम फाइनली इंदौर पहुँच गए थे, लेकिन स्टेशन से फिर भैया पिक करने के लिए आ जाते हैं हम लोगों को। इस टाइम पे मेरी आँख में चोट लगी हुई थी, तो ये उसका निशान है। स्टेशन से भी काफ़ी दूर था उनका घर, तो जाने में काफ़ी समय लगा और बीच में ट्रैफिक भी काफ़ी था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। एंड ये है मेरी जो ताई जी हैं, ताई सास हैं, उनका घर है ये जो आपको दिख रहा है वीडियो में। तो हम लोग पहुंच चुके थे, उसी के जस्ट सामने ये होटल था, और ये होटल का वीडियो शूट किया था गाइस मैंने, और ठीक ठाक रूम था। वैसे तो दूसरी होटल उन्होंने बुक की थी, बट हम लोगों ने एंड टाइम पे एंड टाइम पे हम लोगों का डिसाइड हुआ कि हम लोगों को भी जाना है, तो हम लोग ये सामने वाली होटल में ही रुके थे। और ये है होटल का पूरा जो रूम मैंने वीडियो शूट किया था उसका। फिर कुछ घंटे आराम करने के बाद मैं तैयार होने लग जाती हूँ। ये मेरा मेकअप था सारा जो मैं भर के लेके आई थी, एंड इसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ खुद से ही, क्योंकि उस टाइम पे थी सगाई थी, तो इंगेजमेंट में हम लोगों को जाना था, तो ये उसके लिए हम लोग तैयार हुए थे। और यहाँ होटल में ही बैठ के हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ सब लोगों को, मेहमानों को लेकर आ रही थी, तो इधर उधर बिजी थी, ड्राइवर वगैरह बिजी थे। तो यहाँ देखिए पापा अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, गलत बात है। तो यहाँ पे फिर एंट्री होती है दूल्हा दुल्हन की, मतलब इंगेजमेंट के लिए भैया भाभी की एंट्री होती है यहाँ पे। ये दीदी पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। ये हैं उज्ज्वल भैया और अनमोल भाभी, और ये इनकी एंट्री थी, एंट्री का वीडियो शूट किया था उस टाइम पर।
उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे फिर खाना वाना खाया। खाने में बहुत कुछ था, इस यानी कितने प्रकार की डिश थी मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, बट मैंने वही खाया जो मुझे अच्छा लगता था। मैंने कोई भी इधर उधर का कुछ भी नहीं खाया, ना मुझसे खाया जाता है तो। और वैसे भी शादियों में तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली सब कुछ पेट भरा हुआ होता है, कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। तो ये नॉर्मल सा खाना ही हम लोगों ने खाया था, भले इतना सब कुछ था शादी में, बट जो खाना था वही खाया था। कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं शादी में गोलगप्पा खाना तो बनता ही है। एंड लास्ट में पान भी खाया था गाइस हमने। फिर यहाँ हम लोगों ने वीडियो शूट करवाई और ये बहुत ही प्यारी वीडियो थी। मेरी मम्मी को तो ये वीडियो बहुत पसंद आती है, पता नहीं क्यों, बट वो हमेशा इस वीडियो को ही देखती रहती है। फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। यहाँ सुबह बारात निकलने वाली थी भैया की, तो हम लोग रेडी हुए थे, तो ये उसका फोटो था। एंड यहाँ पे बारात स्टार्ट हो जाती है, गार्डन में ही बारात थी, उसी में ही बारात निकल रही थी, तो हम लोग वहीं पहुँचे थे डायरेक्ट सब लोग। और सब लोगों ने लिटरली बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया।
फिर यहाँ एंट्री होती है भाभी की, दुल्हन की एंट्री होती है। फिर यहाँ पे ये मोमेंट सबसे प्यारा मोमेंट होता है गाइस, और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखते हुए। फिर ये पूरा होटल मैंने एक्सप्लोर किया गाइस, पूरा वीडियो शूट किया सब कुछ, एक एक जगह का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। इतना प्यारा सब कुछ इन्होंने मैनेजमेंट करके रखा हुआ था होटल वालों ने भी, और मैं बता नहीं सकती ये मतलब सब लोगों को देख के ही बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुद देख सकते हैं वीडियो में, बहुत बहुत प्रिटी लग रहा था सब कुछ। सारा सब कुछ इन्होंने ना बहुत ही बारीकी से सब कुछ मैनेजमेंट इन्होंने करके रखा था यहाँ पे। Thank you.
फिर हम लोग आ जाते हैं वापस होटल में, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग रेडी होकर के वापस चल जाते हैं रिसेप्शन में, नाइट में रिसेप्शन में। और यहाँ था, आप देख सकते हैं, ये वही होटल था और ये नाइट का व्यू है। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, तो हम लोगों ने जल्दी से लिफ्ट पे बैठे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग यहां पे थोड़ा सा आ जाते हैं और रात के बजे इसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट करते हैं। 1:30 बज चुका था, ट्रेन आने वाली कुछ ही देर में, एंड ये थी हम लोग 3:30 बजे अलार्म करके सोते। फिर हम लोग 3:30 बजे उठे क्योंकि हमारी ट्रेन थी अगली सुबह। अगर वीडियो पसंद आए तो यहां देख सकते हैं मेरी आइसक्रीम स्वेलिंग आ रही है। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय। क्योंकि 3:30 बजे हम लोग उठ गए थे और 1:30 बजे तो सोए थे। तो इसके बाद हम लोगों को वहाँ से चेकआउट करना था होटल से वापस, और हमारी ट्रेन थी क्योंकि सुबह की, इसलिए हमें जल्दी जाना था। तो फाइनली हम लोग चेकआउट करते हैं एंड होटल को करते हैं टाटा बाय बाय और निकल लेते हैं वहाँ से। ये भैया भी रात में सो रहे थे, इन लोगों को भी हमने थोड़ा सा परेशान कर लिया क्योंकि सुबह हम लोगों को निकलना था, तो लॉक वॉक तो इन्होंने ही खोला। एंड फाइनली हम लोग होटल से चेकआउट करते हैं एंड ऑटो में जाके बैठ जाते हैं। अंधेरा काफ़ी था क्योंकि सुबह के 3:30 बजे हुए थे और 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग ऑटो में बैठ के फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं। आधे या 1 घंटे के अंदर हम लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं, एंड स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चला हमारी ट्रेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो हम लोग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए हम लोगों ने लिफ्ट की हेल्प ली क्योंकि पैदल चल के जाना लगेज के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वीडियो शूट किया गाइस। और गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब मिलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।